तो हम बात कर रहे हैं आज रिकॉर्डिंग इन आप प्रोग्रेस। बात कर रहे हैं आपके साथ एम एस एक्सेस में क्यूरी के बारे में, और गोहेल जी हमारे साथ हाँ हैं। गोहेल जी, इस लाइव क्लास में हम बात करेंगे सर, क्यूरी के बारे में कि कैसे ओके एक्सटर्नल क्यूरी क्रिएट किया जाता है। तो डिजाइन क्यूरी में हम जाते ओके हैं, और जैसे लास्ट टाइम में ओके हमने बताया था कि हमने डेटा उठा के यहाँ रखा, डेटी उठा कर रख दिया, और मुझे इसमें से जो फील्ड चाहिए आप फील्ड दे सकते हैं। फिलहाल तो मुझे सारा का सारा फील्ड चाहिए, लेकिन मुझे इसमें कुछ कंडीशंस लगाने हैं। कंडीशन में जैसे मैं चाहता हूँ कि कस्टमर, यहाँ पे जो ओके रीजन है, रीजन में यूरोप को उठाऊँ, ठीक है। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने रीजन को रखा, और यहाँ क्राइटेरिया में हमने क्या कर दिया, यूरोप डाल दिया, ठीक है। सर पीछे से शोर आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका यूरोप आ गया। उसके बाद इसमें मुझे और कंडीशन क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा एक्चुअल रेवेन्यू है वो एक्चुअल रेवेन्यू ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। तो यहाँ हमने रेवेन्यू का एक्चुअल एस्टिमेटेड है, एक्चुअल रेवेन्यू को उठा के रखा, और यहाँ हमने क्या किया, हमने कर दिया ग्रेटर देन 500। ओके, अब ये भी देखिए, इस पे 100 के ऊपर क्लिक लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम क्लिक रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम ऑल उठा चुके हैं, स्टार लगा दिया, ऑल उठा चुके हैं, तो रीजन एंड रेवेन्यूज दो दो बार आएगा। एक बार देख लीजिए, सेव करके बता देता हूँ आपको। यहाँ हमने दिया, देखा, तो देखिए रीजन और रेवेन्यू आपका दो दो बार आ रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना आए, तो इसके लिए हम क्यूरी के डिजाइन क्यूरी में जाते हैं और इस शो पर से इसको हटा देते हैं। इस शो हमने यहाँ से हटा दी। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे शो नहीं होगा, जब क्यूरी को रन करेंगे तो नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक्चुअल रेवेन्यू मोर देन 100 हुआ और यूरोप का ही शो हो रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम एक यहाँ पे आती है कि मुझे प्रोडक्ट के ऊपर जो क्यूरी है हमारा, इसको डिजाइन में आते हैं। अब क्यूरी में प्रोडक्ट का भी चाहिए हमें, बट प्रोडक्ट में हमारा जो है प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्रा सीआरएम है। तो क्या है कि एंट्रा सीआरएम और भी होता है एग्जीक्यूटिव सीआरएम, और इस तरह के बहुत सारे सीआरएम है। फिलहाल तो मान लीजिए इसमें एक ही है, लेकिन बहुत सारे सीआरएम है। तो अगर आप इसमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं एंट्रा सीआरएम, तो एंट्रा सीआरएम दिखेगा, मुझे सारे सीआरएम चाहिए। तो मुझे इतना पता है कि इसके अंदर सीआरएम तो होगा ही होगा। अब सीआरएम के अलावा कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो क्यूरी में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में यहाँ जो है यहाँ पे हम लाइक दे देते हैं सीआरएम, ठीक है, लाइक सीआरएम। तो लाइक सीआरएम देने से क्या होगा कि आप देखेंगे, ओके नहीं, लाइक सीआरएम से नहीं आया, मुझे लाइक नहीं देना था, लाइक ऑटोमेटिक ले लेता, हमें लाइक लिखना नहीं था, हमें क्या करना था, इसको स्टार देना था दोनों तरफ से, ठीक है। और ये शो है, इस शो को हटा देते हैं, ये स्टार लगाते हैं, लाइक ऑटोमेटिक आ गया। अब यहां पे देखिए आ गया, समझे। तो इसमें दोनों तरफ अगर आपने लाइक लगाया तो ये हो जाता है कंटेन। अनम्यूट है, कुछ पूछना होगा तो गोयल जी पूछ लीजिएगा। दोनों तरफ अगर लगा है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ स्टार लगा, इसका मतलब है लाइक। अगर आपने इसको एक तरफ लगाया, इसका मतलब है एंड विथ सीआरएम, मतलब कि आपने पहले स्टार दिया फिर सीआरएम दिया। इसको ध्यान से देखिए कि अगर आपने पहले स्टार दिया और फिर मैंने सीआरएम लिखा तो क्या हो गया, ये हो जाता है एंड विथ सीआरएम। अगर आपने दोनों तरफ लगा दिया, इसका मतलब हुआ कंटेन विद सीआरएम, लेकिन मैंने यहाँ सीआरएम लिखा और फिर स्टार लगाया, तो इसका मतलब हो जाता है स्टार्ट विद सीआरएम, ठीक है। गोयल जी समझ में आया आपको,
सीआरएम आएगा ना सर, स्टार सीआरएम। अच्छा जी हाँ, समझ में आया आपको सर? हाँ, समझ में आया। हाँ सर, हेलो। हाँ चलिए, हाँ तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो ये हो गया। अब दूसरा इसमें बात करते हैं, हमने यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 500, लेकिन मान लीजिए मुझे 500 से लेके 800 के बीच में चाहिए, तो यहाँ हम लगाएंगे एंड 800। हमने क्या लगाया? एंड 800। अब यहाँ हम रन करते हैं क्वेरी को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब इसमें क्या है कि सीआरएम जो है उसमें 800 नहीं है, मैं फाइव नहीं हंड्रेड है। से ऊपर नहीं है। हाँ, इसमें मैं एंड जो है हमारा, इसमें डिजाइन क्वेरी पे आते हैं, और डिजाइन क्वेरी में आने के बाद हम एक काम करते हैं कि जो सीआरएम वाला जो हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसको, सॉरी नहीं माफ़ कीजिए, मेरा बैड है, यहाँ पे मैंने लेस देन 800 करना था, लेस देन का सिंबल नहीं लगाया था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छा, आ गया, डेटा आ गया, अरे ठीक है। तो डिजाइन क्यूरी में क्या किया आपने, आपने यहाँ पे एंड का यूज किया, तो ये बिटवीन हो जाता है, मतलब कि आपको एक तो आप जो है इसमें जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ए नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। जब दो कंडीशन होगा तो यहाँ हम एंड का या फिर और का इस्तेमाल करेंगे, अब दो नहीं सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे नाम हो गया, मैं यहाँ पे नेम ओके लेना चाहता हूँ, नेम कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर में क्या है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये बाकी सबको यहाँ से हटा देता हूँ, ये जितना भी हमने लिया हुआ है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कस्टमर, अब कस्टमर में मुझे चाहिए पूजा, तो हम यहाँ पे पूजा लिख दिया, राइट। और यहाँ पे और मुझे चाहिए अमर, अमर लिख दिया, और मुझे सर आप चाहिए लिख रहे हो इसमें दिख नहीं रहा है नीतू। सर। दिखा, हेलो, अब दिखा सर, अब व्हाइट में लिख रहा है, व्हाइट में लिख रहा है सर उसमें। जी सो आपकी इंटरनेट स्लो सर, है इसलिए ऐसे नहीं दिख रहा था सर। नहीं, पहला तो बराबर दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने नीतू अमर इस तरह से और करके हमने ले लिया। अब जो रन होगा तो इसमें नीतू और अमर ही शो करेगा, ठीक है, क्लाइंट में पूजा नीतू अमर, ठीक है। तो और कमर, तो इसमें हम एंड लगा सकते हैं, इसमें हम और लगा सकते हैं, और ग्रेटर देन लेस देन भी लगा सकते हैं, लाइक कमांड लगा सकते हैं, ठीक है।